का सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस का सबसे पहला इंटरव्यू दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले प्रदेश 25। यूपी के गोरखपुर में एक इमारत में भीषण आग लग गई। इमारत से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। भीषण आग से इलाके में हड़कंप मच गया। कपड़ों के गोदाम होने की वजह से आग तेजी से फैली। आग पर काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसमें लाखों का नुकसान हुआ। शिमला में सेना की एक पुरानी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक मकान मालिक ने अपनी बेटी से रेप करने वाले किराएदार की गला दबाकर हत्या कर दी। मामला नाबालिग से रेप का है। लड़की को घर पर अकेले पाकर किराएदार ने उससे रेप किया था। उसने वारदात के बाद लड़की को धमकाया भी। दिल्ली के द्वारका में बदमाशों ने घर में घुसकर 25 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के गीता कॉलोनी में दो बच्चों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मथुरा में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। यूपी के मेरठ में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके 3 लोगों की हत्या कर दी। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने बीएसपी सरकार में मंत्री रहे वेदराम भाटी के बेटे को गोली मार दी। जख्मी रविंदर भाटी को नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यूपी के शाहजहांपुर में एक बेकाबू ट्रक ने टेम्पो सवार को रौंद दिया। आगरा के गुलाबनगर इलाके में कारखाने में जबरदस्त विस्फोट हुआ और दीवार धराशायी हो गई। दीवार के नीचे 8 लोग दब गए, जिनमें से 4 को निकाल लिया गया। यूपी के हरदोई में बदमाशों ने दारोगा को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने समाजवादी पार्टी के नेता रोहित चौधरी की पिटाई कर दी। यूपी के लखनऊ में एक व्यापारी से 37 लाख रुपए की लूट की वारदात को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। उत्तराखंड के कोटद्वार में 8 साल की नाबालिग बच्ची से रेप का मामला सामने आया। बेंगलुरु पुलिस ने स्कूल में 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में स्कूल की प्रिंसिपल विजयंती और डायरेक्टर। उत्तराखंड के कोटद्वार में 8 साल की नाबालिग बच्ची से रेप का मामला सामने आया। बेंगलुरु पुलिस ने स्कूल में 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में स्कूल की प्रिंसिपल विजयंती और डायरेक्टर प्रमोद आर्या को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने के आरोप में एक शातिर को गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में एक दंपत्ति ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। यूपी के एटा में एक चोर बोलेरो गाड़ी चुरा कर ले गया। चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर ने अपनी चाबी से बड़ी सफाई के साथ बोलेरो का दरवाजा खोला और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट की और रफू चक्कर हो गया। अमृतसर में सिखों ने रोष मार्च निकालकर 84 के दंगों में मारे गए लोगों के लिए इंसाफ की मांग की। दंगा पीड़ित असल आरोपियों को अब तक सजा नहीं मिल पाने से आहत हैं। राजस्थान के पुष्कर मेले में ऊंट के अनोखे डांस ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। भारी भरकम ऊंट 2 चारपाइयों के ऊपर थिरक रहा था। ऊंट मालिक के चारपाइयों का ऐसा बैलेंस बनाया कि न चारपाइयां टूटी न गिरी और न ही ऊंट फिसला।